शहादत तीन दिन के बाद अपनी शहादत तीन दिन पहले आओ समान वाले वेखे आओ ते वेख के प्रबंध ने लगता है वादे दी रात आने वाली है जिस रात आपने जख्म किया गया वो रात अपने हजरत इमाम हसन दे घर गुजारी इमामे हसन फरमाते ने सारी रात मेरे बाबा सुते नहीं सारी रात कदे कमरे जांदे ने इबादत करदे ने कदे सीन च जांदे ने आसमान ते सितारे वल वेख के फरमाते ने लगदा अज ये रात है जेड़ी वादे दी रात है उस रात मौला अली ने सारी च खादा भी कुछ नहीं जड़े वेले अज़ान ने फजर का वेला आया हजरत इमाम हसन ते हुसैन कूफे की गली च नाल जा रहे अब्दुल्ला बिन जाफर भी नाल जा रहे मौला अली दी अग्गे अग्गे बतखाने ओ बतखा रोंदियां ने हजरत इमाम हसन बतखा नु हटाउण लगे ते मौला अली फरमाउण लगे पुत्र हसन रोकी ना इना बतखा नु झिड़कना वारी अद की दी बावा ए रोंदियां क्यों ने मौला अली फरमाने लगे बतखा रो के पया आख दिया होने अली सानू छड़ के ना जाई अम्मा बाद फौज बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ پڑھی صلات و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع رضی جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ و بارک وسلم ادب عزیز القدر حاضرین نے کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک دے اس ماہ مکرم دے اندر جتنے تاریخی واقعات نے ان واقعات چوں ایک عظیم سانحہ ایک عظیم واقعہ حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کی چونکہ وقت مختصر ہے میں حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر ارمغان نیاز پیش کرنے واسطے چند کلمات عرض کرنا آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور عمل صالح کیتے سیجعل لہم الرحمن ودا ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں چ ڈال دیندا ہے صاحب تفسیر مظہری حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دینے کہ اس آیت مبارکہ تو مراد حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کریم فرما رہے کہ اے علی تیری محبت اللہ کریم ایمان والے دے سینے چ ڈال دے وے گا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما دینے کہ قرآن مجید جتھے بھی ان الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ہیں او دا پہلا مصداق حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا نے علی والا بولے سبحان اللہ ذکر علی بالکل ٹائم تھوڑا ہے ذکر علی کرنا ہی اور علی والے چ بیٹھ کے میں کرن لگا
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैनूं यकीन है कि तुसीं सारे अपनी अपनी हाजरी का सबूत जरूर दोगे। पढ़ा कुरान भाई, जिहड़ा बंदा हाथ नहीं चुक सकदा, बाद बंदे नूं अल्लाह इन्नी ताकत नहीं दित्ती हुंदी, नाल दा बंदा थोड़ा आसरा करावे ना, हाथ चुके सुभान अल्लाह बोलो भाई सारे। अल्लाह करीम ने रिजा फरमाया इन्नल लदीन आमनु वामिलु सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु फुद्दा। अल्लाह ने रिजा फरमाया जेड़े ईमान ले आके साले अमल करन उन्हां दी मोहब्बत अल्लाह सीने दे अंदर डाल देंदा है। कौन है ते वाली ने रिजा फरमाया मोमिन अली दे नाल बुग़्ज़ नहीं रख सकदा, मुनाफिक अली दे नाल प्यार नहीं कर सकदा। पता लगे अली नाल प्यार वो बंदा करदा जेड़ा ईमान वाला होंदा है, अली नाल मोहब्बत वो करदा जेड़ा मोमिन होंदा है। कौन है दिवाली ने फरमाया फरमाया काफिरा तो इलावा मुनाफिका तो इलावा अल्लाह ने हर चीज सीने के अंदर अली की मोहब्बत रखी है। एदा तर्जमा आदम चिश्ती मरहूम ने किया, आदम चिश्ती ने आखिया अहले नजर की आंख का तारा, अली वाला बोले अहले नजर की आंख का तारा, अली अली अहले नजर की आंख का तारा। अच्छा मैं आयत ते मोहब्बत अली वाली पढ़ी है, मैं देख रहा वेखो मेरे सारे वाल ध्यान है, मैं उची जगह बैठा सारे तो मेरा सारे वाल ध्यान है कि तुस अज अपनी मोहब्बत का सबूत देने कि सानू मौला अली नाल कितनी मोहब्बत है। अली का नाम सुन के ईमान वाला बंदा नहीं रह सकता कि अली अली ना करे, क्योंकि हजूर ने फरमाया कि अली नाल प्यार ही मोमिन करता है, मुनाफिक ते अली नाल प्यार कर ही नहीं ना सकता। तो हुण तुसा अपने ते अपने ईमान का सबूत देना है कि मैं ईमानदार हाँ। और मैं एक जुमला बोल देवा, सारा मिसरा नहीं पढ़ना जाता ना पढ़ो, मगर मैं पढ़ना अहले नजर की आंख का तारा। इंज ने बैठा रो मैं दसना कि अली अली करी दे। अली दा नाम कमजोर ईमान ते कमजोर जिसम दा बंदा कर ही नहीं सकदा। और मैं दे ते दलील दे रहा ना कि पाकिस्तान विच जिहड़ा सब तो वड्डा बहादुर होवे ना उहनूं निशाने हैदर दिता जांदा है। पता लग्या कमजोरां दा काम ही नहीं है, बहादुरां दा काम है जिक्र अली करना। अली दा नाम अज भी कमजोरां दा जोर बन जांदा, अली दा मारिए नारा जंगां दा नक्शा होर बन जांदा। उच्चा बोलो रल के करिए भाई दिखरे अली सारे। जो मैं पढ़ना अहले नजर की आंख का तारा ते ए इस तरह करके हाथ बुलंद करके ते नारा मार के आख्या जे अली अली की कहना है, हाथ किवें खड़े करके मैं बाद च दसांगा। मैं हाथ अज इस तरह क्यों कह रहा करके, क्योंकि हजूर ने फरमाया ना जंगे खैबर दे अंदर अली नू इंजी मेरे नबी ने पुकारिया सी अहले नजर की आंख का तारा। कौन भाई? अली। मैं एक होर जुमला दे देवा ताकि तुहाडे लई मजीद आसानी हो जाए। मैं किताबां च पढ़िया कि नबी करीम फरमाते ने जदों मैं मिराज दी रात आसमान ते गया, हजूर फरमाते ने मैं जिस आसमान तो गुजरिया हर नबी ते हर फरिश्ते मैं तो पुछया कमली वालिया अली दा की हाल है। हजूर फरमाते ने मैं पुछया फरिश्तों तो हानू अली दा किवें पता है, ते फरिश्ते कहन लगे कमली वालिया तेरे अली दा किन्नो नहीं पता, किन्नो नहीं पता, हुन अली वाला बोलेगा। तो मिल के सारे पढ़िए अहले नजर की आंख का तारा, अली अली अहले नजर की आंख का तारा। मिलके सारे पढ़िए अहले नजर की आंख का तारा। पता लग जे सुन्नी मावा दे पुत्र बैठे ने अहले नजर की आंख का तारा। ओ मैं
ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬਾਤ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚ ਗਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਲ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕੱਟਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੜਵਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਤਨਾ ਕੜਵਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਇਤਨਾ ਕੜਵਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਆਲਮੇ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਉਹੀ ਕੌੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਵ ਜਵਾਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੜੀਏ ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਾ ਤਾਰਾ 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 ਅਲੀ ਅਲੀ ਟੂਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਲਗਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੇ ਅਸਦੁੱਲਾ ਨੇ ਗਾਲਿਬ ਨਾਲਾ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੇ ਇਮਾਮੁਲ ਆਸ਼ਕੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਟਿਆ ਉਹ ਆ ਫਰਮਾ ਲਗੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕਟਿਆ ਤੂੰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਮਾਮੁਲ ਆਸ਼ਕੀਨ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਲੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਸੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੋ ਲਾਇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਉਹ ਚੋਰ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਕਟਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉਹ ਚੋਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਗੁੱਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਨਾਲੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਜਦੋਂ ਕਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਖੂਬੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਤਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਟੂਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁਲਸੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਲਸੀ ਰਾਤ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਤਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਟੂਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਔਰ ਲੋਗੋ ਯੇ ਮਗਫਿਰਤ ਕੀ ਸਨਦ ਹੈ
हमारे पास कि हम हैं अली के और हमारा पता लगना केड़ा वाली वाले हम हैं अली के और हमारा 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 अली अली हजूर ने फरमा ली कयामत न पुलसी रात दो तख्त रखा जाएगा। फरमा लोग पुलसी रात गुजरते आएंगे। फरमाया तू अपना मिंबर ले के दो तख्त किनारे ते बैठ जाएगा नाले दो तख्त न पुकार के आखेगा वी दो दखे आ तेरा ही आ मेरा ही आ तेरा ही आ मेरा ही आ तेरा ही आ मेरा ही। फरमाया जेड़ा तेरा आवेगा वो दो दुखी नहीं आवेगा जेड़ा दो दुखी आवेगा वो तेरा नहीं होएगा। इस बात असी पढ़ने हम हैं अली के और हमारा के पढ़ो हम हैं अली की और हमारा हमारा हुण बोलो सुभान अल्लाह भाई। ये बाबा जी लाहौर तुसी नारा मारन आए ने माशाल्लाह। बाबा जी लाहौर भाई हर महफल च तशरीफ लियांदे ने इसे तरह इन्हां दा अंदाज़ है। लाहौर ते बड़े मशहूर ने जिहड़े लाहौर तो साथी आए ने उन्हां नूं ते खबर है लाहौर बड़े मशहूर ने बाबा जी नारे दिवा जाते हो आते हुण मैनूं लामा ना देण कि असीं सब लाहौर वाले बड़ा उच्चा बोलदे ने ते सियालकोटिए तुहाडे कोल बोलदे ही नहीं। रौंद ना मारो ते उच्चा जा बोलो सुभान अल्लाह। अहले नज़र की आँख का तारा अली 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 जदों दे पैदा होए ने उदों ही नहीं अपनी पैदाइश तो पहले भी अहले नज़र की आँख का तारा अली है। उदी मैं दलील पेश करा हजरत अल्लामा काज़ी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि पिछलियां उम्मतां विच भी कोई इंसान मौला अली दी मोहर दे बगैर वली नहीं बनया। इस उम्मत दी नहीं पिछली आप फरमांदे ने हजरत मौला अली शुरू तो ही कुतबुल इरशाद दे मनसब ते फायज ने और मेरे हुजूर मुजद्दद पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ते इस तो भी अगली बात फरमाई है। आप फरमांदे ने कि मौला अली जदों अपने जिस्म विच नहीं आए यानी अजे जसामत रूह दा ताल्लुक नहीं बनया यानी पैदाइश तो पहले भी ते आलम अरवाच भी हुजूर मुजद्दद अलफसानी रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने मौला अली उदों भी कुतबुल इरशाद दे मुकाम ते फायज सन। पिछलिया उमतां विच भी जिन्ने वली बने ओ अली दी मोहर दे नाल बने ने कि ओ अली है। अल्लाह करीम ने अली दी मोहब्बत हर मोमिन दे सीने च डाल दित्ती और सिर्फ ईमान वाले ही नहीं बल्कि मेरे नबी करीम अलैहि सलाम ने इस तरह करके दुआ की थी कि हुजूर ने इरशाद फरमाया अर्ज की थी या अल्लाह जेड़ा अली दी इज्जत करे अल्लाहुम्मा मन अकरम इलाही जेड़ा अली नाल इज्जत
इज्जत करे ते अली नाल प्यार करे तो उनु इज्जत अता फरमा। जिन्हें इज्जत लेनी है ना वो अली नाल प्यार करे। अज मेरी सारी तकरीर इन अल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा मोहब्बत अली दी। एक दिन मौला अली फरमाते ने मैं नबी करीम नाल मदीने दी गली च जा रहे थे। आप फरमाते ने कि फमस्तकबलहु शजरुन वला हजरुन इल्ला वहुवा यकूलु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप फरमाते ने मैं हजूर दे नाल गुजरिया ना ते कोई पत्थर ते दरख्त कोई ढेला भी ऐसा नहीं आया कि जिन्हें मुहम्मद ते सलाम ना पड़िया हो। हुण अगली गल सुनो। मौला अली नूं जदों हजूर ने यमन दा गवर्नर बना के मदीने ते टोरिया ना ते हजूर फरमाते ने अली जदों लोग तेरा यमन दे इस्तकबाल करन ना ते आपने फरमाया उस वेले लोगां नूं ते हर चीज़ नूं आखी कि ऐ यमन वालों तुहानूं कमली वाला सलाम कहिंदा है। हजरत मौला अली गवर्नर बन के जदों यमन गए ना ते लोगां इस्तकबाल कीता ते मौला अली फरमाते ने भाई तुहानूं यमन वालों नबी करीम ने सलाम भेजे। लोगों ने तो सलाम का जवाब दिता दिता। मैं किताबा च पढ़िया कि दरख्तों चो पत्थर चो मिट्टी के ढेलिया चो आवाज आई नबी ने भी सलाम हो तो अली ने भी सलाम हो। अली की मुहब्बत अल्लाह ने दुनिया की हर चीज के सीने च रख दी है। वो फल होवे वो मिट्टी का ढेला होवे वो पत्थर होवे वो दरख्त होवे जिन्हों अल्लाह करीम ने सुन की समाज की ताकत नहीं भी अता की उसके सीने च भी रब ने अली की मुहब्बत जरूर रखी है। गिरामी कदर हजरात अली नाल मोमिन प्यार कर दे मुनाफिक अली नाल बुग्ज रख दे। ताइयों ते सहाबा के बाद दियां अखियां दा तारा अली सी। अली नबी दियां अखियां दा तारा सी ना। हाजरी दे मोहतशम हजरत मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अनहु आप एक दिन ना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला दे दौरे खिलाफत दे अंदर एक बंदा मुजरम पेश किया गया आपकी बारगाह च। अर्ज की गई हजूर बड़ा बंदा बड़िया अजीब गल्लां कर दे इन्हों कोई सजा दियो। आपने फरमाया भाई तू की करना। वो कहता जी मैं फितने नाल प्यार करना। किदे नाल? मैं फितने नाल प्यार करना। अच्छा फरमाया होर की कहते कहते यहूदी भी ठीक कहते ने ते ईसाई भी ठीक कहते ने। अच्छा कहते मैं हक कोलो नफरत करना। हक कोलो नफरत करना। अच्छा होर की कहंदा है? अर्ज कीती हुजूर ये कहंदा है कि मैं जेड़ी चीज नहीं ना वेखी ओदे ते ते ईमान रखना। अच्छा होर की कहंदा है? हुजूर ये कहंदा है कि जेड़ी चीज आउन वाली है ना मैं ओदे नाल प्यार करना। अजीब गल सारियां। हजरत उमरे फारूक ने फरमाया इनू अली को लै जाओ। हजरत उमरे फारूक को जेड़ा भी कोई मसला इंजदा पेश होंदा सी आप फरमांदे सन अली को लै जाओ। अहले नजर की आंख का तारा अली अली। मैं दसना चाहना केड़े साहबे ईमान ते केड़े ओ लोग ने अहले नजर जिन्हां दियां अखियां दा तारा अली है। मौला अली को लाए अर्ज की हजूर बंदा बड़ी अजीब गल करदा हजरत उमरे फारूक ने भेजे। आपने फरमाया हां बे की कहना है? बंदा कह लगा मैं कहना मैं फितने नाल प्यार करना। मौला अली पता की फरमान आ फरमान ने बहुत अच्छा करना। थोड़ा जहा हौला बोलो बार आवाज ने चली जाए। फरमाया बहुत अच्छा कम करना। मैं फितने नाल अखे जी प्यार करना। लोग हैरान हो के मौला अली वल वेख्या। अर्ज की हुजूर कहंदे मैं फितने नाल प्यार करना तुसीं कहंदे ठीक करना। आपने हुण कुरान की आयत पढ़ी मैं भी पढ़ा जी आखा सुभान अल्लाह। मौला अली अल मुर्तजा शेरे खुदा ने फरमाया आपने फरमाया अल्लाह कहंदा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह फरमांदा औलाद ते माल फितना है। फरमाया चंगा करदा है बच्चियां नाल प्यार करदा औलाद नाल प्यार करदा। अल्लाह फरमांदा औलाद ते माल फितना हुंदा। मैं आखे ठीक कर दे। मौला अली ने फरमा होर की कहंदे? हजूर कहंदे यहूदी भी ठीक कहंदे ने ते साई भी। मौला अली फरमाया बहुत अच्छा कहंदे। उन्हें आख्या हजूर यहूदी भी ठीक कहंदे ने ते साई भी ठीक कहंदे ने। मौला अली फरमाया कुरान सुनो फिर पढ़ा मैं भाई। जिदी मां ने अल्लड़ बल्लड़ बावे दी लोरी ते पाले वो बेशक ना बोले। जिदी मां अली अली कह के पाले ना वो बोले सुभान अल्लाह।
मौला अली अल मुर्तजा फरमान लगे सुनो कुरान। आपने फरमाया अल्लाह कहता वा कालत यहूद लैसत नसारा अला शैइन वा कालत नसारा लैसत यहूद अला शैइन। मौला अली ने फरमाया अल्लाह कुरान च कहता है यहूदी कहंदे ने ईसाई कुछ नहीं, ईसाई कहंदे ने यहूदी कुछ नहीं। फरमाया चंगा ही कहंदा है, कहंदा ईसाई भी ठीक कहंदे ने यहूदी भी। वकालत यहूद ये नारे का मतलब है वे क्यों कहते मेरे ना प्यार कराया जी भाई कराया जी हैं बिस्मिल्लाह हूँ मेरे वाल तवज्जो दे जी। मौला अली फरमान लगे गलत ठीक कर दे। वकालत यहूद लैसत नसार अला शै वकालत नसार लैसत यहूद अला शै। यहूदी कहंदे ने ईसाई कुछ नहीं, ईसाई कहंदे ने यहूदी कुछ नहीं, ये ठीक कहंदे ने, कहंदा यहूदी भी ठीक कहंदे ने ते ईसाई भी। सुभान अल्लाह घर जाके एक बार जरूर बोले आज। अच्छा जी मौला अली फरमांदे ने होर की कहंदे हजूर कहंदे कि जेड़ी चीज नजर नहीं आउंदी उदे ते मैं ईमान रखना। आपने फरमाया ते ठीक कहंदा अल्लाह नजर नहीं आउंदा अल्लाह ते ईमान रख दे। अच्छा हजूर ही कहंदे कि जेड़ी चीज अजे आई नहीं पैदा ही नहीं हुई मैं उदे नाल प्यार करना। आपने फरमाया ठीक कहंदा कयामत अजे आई नहीं उदे ते ईमान रख दे। अच्छा हजूर जिहड़ी सारे तो डाढ़ी गल करदा उह कहंदा मैं हक कोलों नफरत करना, हक कोलों नफरत करना। मौला अली फरमाया ठीक कहंदा, फरमाया ठीक कहंदा हजूर किवें। मौला अली ने फिर कुरान पढ़िया, आपने फरमाया अल्लाह कहंदा वा जात सकरतुल मौत बिल हक। आपने फरमाया अल्लाह कहंदा मौत हक ए मौत कोलो नफरत करदा किदा जी करदा जेड़ा मौत नाल प्यार करे ओ बंदा तुरिया जांदा ना ले कहंदा अहले नजर की आंख का तारा अली अली अहले नजर की आंख का तारा मौला उमर को ले सबा दी खबर गई। आपने फरमाया अल्लाह उमर ने मुश्किल ही ना देनी जेड़ी मुश्किल दा हल मुश्किल कुशा ना आवे। नौजवानो एक उमर ही नहीं हजरत अबू बकर दी वारी आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने आपने खुतबा दिता आपने रिशा फरमाया उठो जी दे नाल नबी ने वादा कीता होवे ओदा वादा मैं पूरा करांगा। एक बंदा उठ के खलो गया कहन लगा सिद्दीक अकबर मैनू नबी करीम ने फरमाया मैं तेनों तीन बुक्का खजूरा देवांगा पर नबी करीम दुनिया तो पर्दा कर गए हुन मैं खजूरा किवें तोला नबी दी बुक कित्थों लैके आवां। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया मौला अली हजूर हुक्म आवे फरमाया जरा तीन बुक्का करिया दे। मौला अली ने खजूरा बुक दिया भरिया मौला सिद्दीक फरमान लगे खजूरा गिनो पहली बुक विच भी 60 खजूरा दूसरी बुक विच भी 60 खजूरा तीसरी बुक भी 60 खजूरा। आपने पर मैं खजूरा मंगते नु दे दियो पूछया गया ए फैसला क्यों कीता जे फरमाया मैं नबी कोल बैठा सा हजूर ने अपने हाथ खोल के फरमाया सी अल्लाह दा हाथ मेरा हाथ है मेरा हाथ अली दा। हा 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 फरमाया अल्लाह दा यदुल्लाह फौका एदी हिम अल्लाह दा हाथ मुस्तफा दा हाथ है ते मुस्तफा दा हाथ अली दा हाथ है। गिरामी कदर हजरत हजरत इब्ने अब्बास फरमांदे ने कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर मेरे नबी दे चचे दा बेटा
नबी करीम नमाज पे पढ़ दे ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ना छोटे बच्चे सन, बच्चों की आदत होती है बड़े नमाज पढ़ते वेखते बच्चे भी हजूर नमाज पे पढ़ दे ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरे नबी दे बिल्कुल नाल ना पीछे आके खलो गए नमाज पढ़ने लग पे छोटे बच्चे हजूर ने पकड़ के ना अपने नाल खड़ा किया फिर पीछे चले गए हजूर पकड़ के फिर नाल किया फिर पीछे हजूर पकड़ के नाल करते फिर पीछे जब हजूर नमाज पढ़ी तो फरमाया मैं खड़ा करता सा हूं नहीं अल कि कमली वाले तेरे बराबर कौन खलो सकता बच्चे सन छोटे उस वे नबी करीम ने हाथ उठा के दुआ की या अल्लाह इन्हों दीन दा आलिम बना दे उम्मत मुहम्मद दा सब तो बड़ा आलिम एक दिन हजूर ने खजूर खा के ना ते गुठली सट्टी बच्चे सन दौड़ के जाके गुठली पड़ी चूसन लग पे गुठली चूस ली हजूर ने वेख के ना प्यार ना ते हजूर दुआ की या अल्लाह इन्हों इलम दी समझ अता फरमा दीन दी समझ अता फरमा वो दुनिया का सब तो बड़ा आलिम बन गया कुराने मजीद का पहला मुफसर बन गया जिन्हें मुहम्मद के मुंह की गुठली चूसी जिहड़ा नबी दी मुंह दी गुठली चूस लवे वह तो हिब्रुल उम्मा बने तो जिहड़ा मुहम्मद की जुबान के चूसे लैके पलिया होवे उस अली दी अज़मतां नूं कौन बयान करे जिहड़ा मुहम्मद अरबी की जुबान के चूसे लैके पलिया होवे गिरामी कदर हजरात हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लो भाई टाइम खत्म हो गया मगर मैं एक दो बात अपने हुण ज़ौक नाल अर्ज़ करके कर सा मैनूं कह रहे सन तुसा सवेरे उमरा करन टुर जाणा ते घर ही आ सारी अज ही कर लिया जे अगले जुमे दे हिस्से दे तुसी अपनी जेबां च ना हाथ पा लो भाई हुणे हुणे ते हाथ अपनी अपनी जेब च पायो जे उहदी वजह पता की अजकल मोबाइल चोरी करन वाले जुमा उल मुबारक और रात नूं प्रोग्राम च बड़े सारे साथी आ रहे ने एडे बदबख्त ने कि वह मस्जिद भी आते हैं या महफल भी जाते हैं तो चोरी की गरज न अपने मोबाइल का खास तौर पर अच्कल ध्यान रखा करो और महफल से भी जाओ खसूसन मैं अर्ज कर रहा कि मेरी महफल या मेरी जिसे जग मुकाम से हाजिरी होवे ये जुमतुल मुबारक के पिछले जुमे उस तो पिछले जुमे भी काफ़ी लोगों के मोबाइल काफ़ी लोगों के पैसे काफ़ी लोगों के वॉलेट इन्होंने चोरी कर ले लिहाजा अपनी अपनी जेबों का ख्याल खास तौर पर रखा जे इस वास्ते मैं कह रहा कि अपनी अपनी जेब की हाथ पाया है हाँ तो मस्जिद वास्ते तैयारी करके रखो मैं इंशाल्लाह अर्ज करना हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा 21 रमजान उल मुबारक नो शहादत है अपनी नबी करीम ने एक दिन मौला अली नो सामने बैठा के फरमाया अली दस पिछलियां कौमां दा बदबख्त इंसान कौन सी अर्ज कीती सोने तेनों पता होवे तेरे रब नो पता होवे सहाबा मेरे नबी ने प्यार ही कुछ इंजदा करदे सन नबी करीम ने एक दिन सहाबा नो हज दे दौरान फरमाया अज दिन केड़ा है अच्छा भाई हज करन गए सारे पता है 10 ज़ुलहज का दिन मेरे नबी फरमा जो दिन कड़ा सहाबा ने की अल्लाह जाने ते रसूल जाने किसी नहीं आख्या कि हजूर अज 10 ज़ुलहज हज का दिहाड़ा है अभी मक्के आए हज करन मदीन पर नहीं है जरूरत को नबी दे सामने बोले अर्ज की सोने असी आके हज का दिन है ते तेरी मर्जी रा पूरी कर दे तेरी मर्जी कुछ होर हो दिन ही बदल जाए महबूबा लिहाजा सुने अल्लाह जाने रसूल जाने मेरे नबी फरमाया अली दस पिछलियां औमतां दा बदबख्त इंसान कौन सी अर्ज की कमली वाले मैनू नहीं पता हुज़ूर ने फरमाया नाकतुल्लाह व सुखियाहा फरमाया जिन्हें हजरत सालेह अलैहि सलाम दी ऊंटनी दी कूंचां ते लत्तां नूं कटिया वो पिछलियां औमतां दा बदबख्त तरीन इंसान सी हजूर ने फरमाया दस अली इस दौर दा बदबख्त इंसान कौन है शेर खुदा ने अर्ज की अल्लाह जाने ते रसूल जाने मेरे नबी ने मौला अली दे सिर वाल इशारा करके फरमाया जिहड़े तेरे सर नूं तेरे खून दे नाल रंगीन करेगा यानी जिहड़ा तैनू शहीद करेगा वो पिछलिया उमतां दा वो अगलिया कौमां दा इस कौम दा बदबख्त तरीन इंसान है उहदा नाम सी अब्दुल रहमान इबने मुलजम कि मौला अली नाल बड़ा प्यार करदा सी ज़ाहरी तौर ते बड़े दावे करने मुहब्बत दे इन्हें जदों भी मौला अली दे घर आना ना ते जिहड़ी चीज़ मंगनी मौला अली दे उहनूं उता करके भेजना उन्हें जदों जाना ना दरवाजे कोल ते मौला अली ने लोगों नूं कहना वेखो मैं इहदे नाल प्यार करना ते इह मैनूं कतल करन दे मनसूबे बणांदा जे उन्होंने खबर मिली तो आके कह लगा मौला अली मैं तो नाल प्यार ही बड़ा करना मुहब्बत ही बड़ी करना हजूर तुम क्यों फरमा दे हो आपने फरमाया कि कादर दे हथ डोर या साड़ी बाहू वो ज्यों रखे त्यों रही है फरमाया डोरा तकदीर वाले दे हाथे चने ये हो कहीं रवेगा ये हो कहीं रवेगा एक दिन किसी अर्ज की हजूर तुम्हें पता है क्योंकि इन्हें तो शहीद कर देना
इन्हू मार दो सजा दो। हस के फरमान लगे अपनी मौत नू मैं किवें मारा, भाई इन्हें मैनू मारना मैं इन्हू किवें मार देवा। अर्ज की हजूर तुहानू खबर तो है ना कि इन्हें तुहानू कतल करना है। आपने इरशाद फरमाया जब तक वो जुर्म करे ना सजा का दी देवा, जब तक जुर्म ही ना करे सजा का दी। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम एक दिन गली च जा रहे थे, एक बड़ी हसीन औरत कत्ताम खारजन औरत सी, मौला अली ने बुग्ज रख दी। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम उस औरत से दीवाना हो गया। उन्होंने कहा था पैगाम भेजा तो कहने लगी कि 3000 दिरहम ते मौला अली नु कतल कर, ये मेरा हक मेरे। कहन लगा कि 3000 दे दिरहम 6000 कर ले, अली नु क्यों कतल करा। कहन लगी कि अली ने जंगे सफीने च मेरे बुजुर्गों नु मारे, मेरे बड़िया नु मारे, अली नु कतल करो। कहन लगा 6000 दिरहम ले ले, ज्यादा ले ले, पर अली दा कतल नहीं, मैं अली ना प्यार करना। कहन लगी दिरहम सारे रहन दे, अली दा कतल जरूरी है। उदे दिल च अल्लाह करीम ने एक ऐसी बात डाल दी, उन्हें आख्या कि मैं एक ही वार करांगा, अगर अली शहीद हो गए तो हो गए, अगर बच गए तो उन्हां दे नसीब। इस औरत ने मन गई, कह लगी तो एक ही वार करी। कताम नवी औरत ने अपनी तलवार नू जहर च भिगो के दिता। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम नू अता दी गई। इधर मौला अली अल मुर्तजा शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आखिरी रमजान शरीफ आए ना आपकी जिंदगी मुबारक दे, एक रात आप इमाम हसन के घर गुजार देने, एक रात हजरत इमाम हुसैन के घर गुजार देने, एक रात हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के घर गुजार देने। मौला अली अल मुर्तजा शेरे खुदा इस तरह सुबह सहरी च भी 3 लुकमे खाते ने, शाम अफतारी च भी 3 ही लुकमे खाते ने। मौला अली अल मुर्तजा शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला नो अपनी शहादत तिल दिल दे बाद अपनी शहादत तिल दिल पहले आओ समाउन वल वेखे आओ ते वेख के फरमांदे लगदा है वादे दी रात आउन वाली है। जिस रात आपनु जख्म किया गया वो रात आपने हजरत इमाम हसन दे घर गुजारी। इमामे अज़ल फरमाते ने सारी रात मेरे बाबा सुते नहीं, सारी रात कदे कमरे जांदे ने इबादत करदे ने, कदे सीने च जांदे ने, आसमान ते सितारे वल वेख के फरमाते ने लगदा अज ये रात है जेड़ी वादे दी रात है। उस रात मौला अली ने सारी चीज खादा भी कुछ नहीं, जेड़े वेले अज़ान ने फजर दा वेला आया हजरत इमाम हसन ते हुसैन कूफे दी गली च नाल जा रहे, अब्दुल्ला बिन जाफर भी नाल जा रहे। मौला अली दी अगे अगे बतखाने ओ बतखा रोंदियां ने, हजरत इमाम हसन बतखा नु हटाउन लगे। ए मौला अली फरमाउन लगे पुत्र हसन रोकी ना, इना बतखा नु झिड़कना वारी। अर्ज की दी बावा ए रोंदियां क्यों ने, मौला अली फरमाउन लगे बतखा रो के पया आखदियां ने अली सानू छड़ के ना जावी, अली सानू के ना जावी। अली दे गम च पईयां रोंदियां ने, अली दे विच छोड़े ते पईयां रोंदियां ने। ए लगियां वाले चुप नहीं करी दे, इते ये लख दिला से टुर गए यार बिछोड़ा पाके, हुन जाइए केड़े पासे। मौला अली जड़े वेले फजर दियां सुनतां अदा कीतियां, इक रकात पड़ी दूसरे दे सजदे वल जा रहे। अब्दुल रहमान इब्ने मुजम ने तलवार दा वार कीता, मौला अली दे सरे अकदस दे अंदर वार होया। आ दे सरे अकदस नु चीर दियां तलवार आप दी कन्ना दी लौ तक आ गई, सरे अकदस दे दो टुकड़े हो गए, चीखा बुलंदी हो गईयां। इमाम हसन हुसैन बाबा बाबा करके रोई जा रहे, लोग चीखा मार के रो रहे। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम ने कई लोगों शहीद कर दिता, दौड़िया लोगों ने चादर का जफा मार के नु गिरफ्तार कर लिया। हजरत मौला अली दे सरे अकदस उते इस तरह करके पगड़ी बनाई गई, सारा जिसम खून आलूद है। ओ अली जी दे जिसम दे ते सिर दे दो टुकड़े हो गए। उस अली दी इबादत सदके जावा, फरमांदे ने हसन पुत्रा फजर दी नमाज पढ़ा, वेला पिया जांदा
ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਵੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਈ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜ ਮਿਲੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਉਹ ਅਲੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਲੀ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਐ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰੀਨੇ ਮੌਤ ਸ਼ਵੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰੋ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਐ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਲਸੂਮ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਲੋਗੋ ਰੋਵੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਰੋਂਦੀ ਜੇ ਲੋਗੋ ਰੋਵੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੁਲਸੂਮ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾਓ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਬੇਬੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਚਾਨਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫੁਜ਼ਦੂ ਬਿ ਰੱਬਿਲ ਕਾਬਾ ਫੁਜ਼ਦੂ ਬਿ ਰੱਬਿਲ ਕਾਬਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦਰਦ ਪਿਆ ਰੋਣਾ ਵਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਲਜ ਪਲ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਐ ਅਚਾਨਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੇਖੋ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਬੀ ਆਇਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਓ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਉਮਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਆਏ ਆਓ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੇ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਰਮਗਾਨ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ